Good morning, students. Today, we are going to start with our second chapter of history, that is new kings and kingdoms. So, in our first chapter, we have already studied about the starting of this period. This period was started in 647 CE when Harshvardhan died. And after the death of Harshvardhan, his empire broke up into several small states and kingdoms. हर्षवर्धन की डेथ के बाद का जो पीरियड है हम उसे कहते हैं मेडिवल पीरियड और उसकी डेथ के बाद भारत की कंडीशन क्या थी भारत जो है ये छोटे छुट छोटे राज्यों में छोटे छुट छोटे किंगडम्स में बट गया था जो कि आपस में लड़ते रहते थे उसी टाइम पे कुछ वॉरियर्स और चीफ टेंस जो है जो कि राजा के अंडर काम करते थे वो सामने आए ये चीफ टेंस और जो वॉरियर्स थे ये बहुत ही शक्तिशाली होते थे और ये बहुत ही बड़ी संख्या में उन इलाकों में थे राजा इन लोगों पर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करता था और राजा ने इन लोगों को अपने दरबार में सामंत की उपाधि दी ये राजा के दरबार में उपस्थित होते थे तथा युद्ध में भी राजा को पूरी तरह से सपोर्ट करते थे लेकिन राजा से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाने पर इन्होंने स्वयं को सामंत की जगह महासामंत कहलाना शुरू कर दिया राजा से अधिक शक्तिशाली होने पर इन्होंने राजा को हराकर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया तो इस तरह से मिडावल पीरियड में कुछ स्वतंत्र राजवंश सामने आए कुछ किंगडम्स सामने आए जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो इस तरह के कुछ किंगडम्स हैं फर्स्ट इज़ राजपूत किंगडम राजपूत किंगडम्स में हम मेनली तीन किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे गुजर पतिहाराज चौहानस एंड परमारस सेकेंड है पालाज पालाज जिन्होंने ईस्टर्न इंडिया पर शासन किया था पूर्वी भारत पर नेक्स्ट है तुर्किश इन्वेजन तुर्किस इन्वेजन्स में हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से आक्रमणकारी थे जिन्होंने तुर्क और अरब कंट्रीज से हमारे देश पर आक्रमण किया था उनमें से मुख्य दो हैं महमूद और गज़नी एंड मोहम्मद गौरी इसके बाद है राष्ट्रकुटाज राष्ट्रकुटाज वो किंगडम्स था जिन्होंने मेनली दक्कन रीजन्स पर शासन किया था नेक्स्ट है चोलाज चोलाज वह किंगडम था जिन्होंने मेनली दक्षिणी भारत पर शासन किया था